हेलो दोस्तों मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से डब्लू पैटर्न के ऊपर बात करने जा रहे हैं और हमने कुछ दिन पहले भी डब्लू पैटर्न के ऊपर बात किया था और वहां पे हमने इस पैटर्न के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताया था और इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो बॉटम का फॉर्मेशन होता है देख सकते हैं पहला बॉटम आपका यहाँ बना दूसरा बॉटम आपका यहाँ पे बना इसलिए इसको हम लोग डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं और इसका नेक लाइन क्या होता है ये इसका नेक लाइन बनता है जो कि काफ़ी क्रूशियल लाइन होता है और जब इस नेक लाइन को प्राइस ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन होता है सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लेकिन लास्ट वीडियो में क्या हो रहा था कि जब प्राइस नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलवा था, था हमने कई एग्जाम्पल में देखा था इसके बाद प्राइस आपका जबरदस्त अपसाइड मूव दिखाता है लेकिन एक एग्जाम्पल हमने क्या देखा था कि प्राइस आपका यहीं पर ट्रेड करता रह गया यानी यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बावजूद भी प्राइस आपका अपसाइड की तरफ नहीं गया तो वो क्यों नहीं गया उसके बारे में मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यानी इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप डब्लू पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सके जो कि आपका वीक है जो कि कमजोर है जिसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना और एट द सेम टाइम कैसे आप जो डब्ल्यू पैटर्न बनता है ये स्ट्रांग वाला है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है तो इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है कैसे आप वीक डब्ल्यू पैटर्न और स्ट्रांग डब्ल्यू पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ और अगर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे जो ट्रैप बिछाया जाता है जो जाल बिछाया जाता है उस जाल से आप बच सकते हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे आप लॉसेस से बच सकते हैं और लॉसेस से आप बचने का मतलब है कि आप अपने ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल यहाँ पर इनक्रीज करें इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ये काफ़ी क्रूशियल टॉपिक है और यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है डब्ल्यू पैटर्न के बारे में जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उस वीडियो को जरूर देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप लास्ट वीडियो देखे होंगे उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा नहीं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं तो यहाँ पे जो हम वीक और स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए यहाँ पे हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और वो इंडिकेटर देख सकते हैं ये आपका है बैंड इंडिकेटर इसको ऐड कहाँ से कर सकते हैं जिरोधा के काइट प्लेटफॉर्म या फिर किसी और ब्रोकरेज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं आपको यहाँ पे स्टडीज में जाना है और यहाँ पे आपको बॉलिजर बैंड सर्च टाइप करना है तो आपको वॉल बैंड दिख जाएगा उसको आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बाकी बैंड डिफॉल्ट ऐड करना उसके सेटिंग्स में कोई चेंजेस नहीं करना है और यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो चार्ट हम इस्तेमाल करें डेली चार्ट इस्तेमाल करें और इस सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट ही इस्तेमाल करना क्योंकि नीचे चार्ट में जाएंगे तो लेवल कम हो जाएगा तो यहाँ पे वॉलिंजर बैंड को थोड़ा सा देख लेते हैं वॉलंजर बैंड में आपको तीन लाइन दिखेगा जिसको हम लोग बैंड बोलते हैं तो ये आपका लोअर बैंड होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में एल लिख देते हैं ये आपका मिड लाइन होता है मिड बैंड होता है जिसको हम लोग एम से डिनोट कर देते हैं और अपसाइड में आपका अपर बैंड होता है अपर लाइन होता है जिसको हम लोग यू से यानी अपर बैंड से डिनोट करते हैं ये आपका अपर बैंड मिड बैंड और लोअर बैंड हो गया अब इसी तीन बैंड की मदद से हम क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे डब्लू पैटर्न स्ट्रांग है या वीक है लेकिन उससे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डब्लू पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके बारे में भी डिटेल से लास्ट वीडियो में बताया था

सिर्फ डब्लू पैटर्न बनाते हैं और नेक लाइन पे फोकस करते हैं ये हमारा नेक लाइन हो गया अब देखिए क्या हुआ प्राइस आपका नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला है और जो कैंडल प्राइस नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला वही कैंडल क्या किया बोलेंजा बैंड के अपर बैंड को भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो हमें देखना है कि जैसे ही इसका नेक लाइन ब्रेक हो रहा हो उससे एक कैंडल पहले या फिर वो कैंडल या फिर उसके बाद वाला कैंडल बॉलिंगजर बैंड के जो अपर बैंड है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए और एट द सेम टाइम वॉल्यूम भी होना चाहिए देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ बॉलिंगजर बैंड के लाइन को ब्रेक किया ये भी ब्रेकआउट का हिंट दे रहा और डब्लू पैटर्न के बेसिस पे तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल ही रहा है ये पैटर्न क्या है ये पैटर्न है आपका स्ट्रांग ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है ये स्ट्रांग बना है क्यों स्ट्रांग बना क्योंकि ये ब्रेकआउट तो दे रहा है एट द सेम टाइम बॉल बैंड के अपर बैंड को भी ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे आपको इंट्री लेना है मैं यहाँ पे लेवल्स नहीं बता रहा हूँ उसके बाद देख सकते हैं प्राइस आपका वापस नीचे आया दोबारा यहाँ पे इंट्री लेने का मौका दिया उसके बाद प्राइस आपका ऑल द वे यहाँ से काफ़ी ऊपर तक गया यानी इस पैटर्न से लगभग आप 10 से 20 परसेंट का प्रॉफिट आसानी से बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी इस पैटर्न के बेसिस पे आप लंबे लंबे प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं मिनिमम यहाँ पे आप पाँच के प्रॉफिट के लिए तो आसानी से जा सकते हैं तो स्ट्रांग वाला डबल पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई होगा हमें क्या करना है बोलिंगर बैंड ऐड करना जब नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा तो वो कैंडल जो कि नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा या फिर उससे एक पहले वाला कैंडल या फिर उसके एक बाद वाला कैंडल बोलिंगर बैंड के अपर बैंड को ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहिए अगर ऐसा कर रहा है तो वो क्या होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग डब्लू पैटर्न होगा अदरवाइज वो वीक डब्लू पैटर्न होगा तो यहाँ पे हम वीक वाला का भी एग्जाम्पल देखेंगे उससे पहले एक और स्ट्रॉन्ग डब्लू पैटर्न का एग्जाम्पल ले देख लेते हैं अब हम आ गए आई के डेली चार्ट में और रिसेंट टाइम्स में आई बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है क्योंकि इसने पहली बार 300 के लेवल को टच किया है तो इसलिए इसको भी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे जो हम चार्ट देख रहे हैं वो पीछे का चार्ट देख रहे हैं रिसेंट का चार्ट नहीं देख रहे हैं अब यहाँ पे भी आपको डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन क्लियर कट स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो लोग आइडेंटिफाई नहीं किए उनके लिए हिंट दे, दे देता हूँ पहला बॉटम यहाँ पे दूसरा बॉटम यहाँ पे दोनों बॉटम लगभग आपका सेम लेवल पे ही बना अब इसके बेसिस पे आसानी से आप डब्ल्यू पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं देख सकते हैं ये आपका डब्ल्यू पैटर्न बना है अब यहाँ पे क्या हो रहा अब यहाँ पे देखिए ये हमारा नेक लाइन है अब यही कैंडल नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला और बॉलिजर yeah. बैंड को भी ब्रेक करके ऊपर निकल गया यानी बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को भी ब्रेक करके ऊपर निकल गया है और यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज हो रहा है यानी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा और नेक लाइन को ब्रेक करने के साथ ही बॉलिजर बैंड को भी ब्रेक करके ऊपर निकल गया यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे और फर्स्ट टारगेट प्राइस हमारा ये होगा पहला टारगेट प्राइस को इसने आसानी से हिट किया फिर दूसरा टारगेट प्राइस ये हो जाता जो कि यहाँ पर हिट नहीं हुआ फिर प्राइस आपका नीचे आ गया तो यहाँ पे पहले टारगेट प्राइस को आसानी से हिट कर दिया और इस फर्स्ट टारगेट प्राइस में भी आपको लगभग पाँच से छः परसेंट का प्रॉफिट आसानी से मिल गया होगा अगर आप लेवल्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर हम लेवल्स को कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ये सारा कुछ कैलकुलेशन बता दिया है किसके बेसिस पे कैसे और कितना प्रॉफिट मिलता है यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग और वीक कॉम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पर जो डब्लू पैटर्न बना है ये कौन सा बना है ये आपका वापस से स्ट्रॉन्ग वाला डब्लू पैटर्न बना है तो स्ट्रॉन्ग वाला आसानी से फिल्टर कर सकते हैं चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं आते हैं सिपला के डेली चार्ट पे अब यहाँ पे भी आपका डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है बहुत सारे लोग यहाँ पे आसानी से आइडेंटिफाई कर लिए होंगे बॉटम कहाँ बना पहला बॉटम यहाँ पे है दूसरा बॉटम आपका यहाँ पे है अब सबसे डिफिकल्ट काम यहाँ पे बॉटम आइडेंटिफाई करना जैसे ही आपने बॉटम आइडेंटिफाई कर लिया आपका मोस्ट ऑफ द काम यहीं पर ख़त्म हो गया बस अब आपको ज्वाइन करना है देख सकते हैं ये आपका डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है नेक लाइन किया है ये हमारा यहां पे नेक लाइन बना है अब यहां पे क्या हो रहा है प्राइस नेक लाइन को तो ब्रेक कर दिया लेकिन क्या ये बॉलिंग बैंड के अपर बैंड को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया नहीं दिया है इसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा यहीं पे ये बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करने की कोशिश किया है और यहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है यानी यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ बॉलिंजर बैंड के अपर लाइन को टच किया है और यहाँ पर कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है ये क्या दिखा रहा है ये यहाँ पे दिखा रहा है जो भी बायर्स है वो क्या है वो यहाँ पर बहुत कमजोर है यानी बायर्स में स्ट्रेंथ खत्म हो गया यानी इसके बेसिस पे हम साइड की तरफ नहीं जाएंगे और यहाँ पे जो डब्लू पैटर्न बना है ये क्या बना ये आपका कमजोर वाला डब्लू पैटर्न बना है और इसको हम फॉलो नहीं करेंगे इसके बेसिस पे जो ब्रेकआउट मिलेगा इसके बेसिस पे नहीं जाएंगे कई बार हो सकता है कि इसके बाद भी प्राइस आपका ऊपर निकल जाए लेकिन इसके बेसिस पे हमें ट्वेट नहीं करना इसको हमें अवॉइड करना क्योंकि इसके बेसिस पे ट्वेट करोगे तो आप यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हो इसलिए आपको जब भी डब्लू पैटर्न दिखे और आपको यहाँ पे वॉलेंटियर बैट एंड करना है और जब भी आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो और उसके साथ साथ वॉल्यून जब बैंक की अपर लाइन को ये ब्रेक नहीं कर रहा तो उस डब्लू पैटर्न को आपको फॉलो नहीं करना उस डब्लू पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना तो कमजोर डब्लू पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना उसका आइडिया यहाँ पे आपको मिल गया होगा अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं देख सकते हैं ये आपका एच डी बैंक है और इसके भी डेली चार्ट पे हम आ गए हैं अब यहाँ पे भी डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है आप चार्ट पे आसानी से आइडेंटिफाई कर रहे होंगे अब आप देखिए आपने जब लास्ट वीडियो देखा और वो वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आए हैं तो आप आसानी से इस डब्लू पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उसको आइडेंटिफाई करने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो अगर आपको यहाँ पर डब्लू पैटर्न आइडेंटिफाई करने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही तो वापस से दोबारा से पहला वीडियो एक बार और देखिए अगर आपने पहली बार देख लिया है तो नहीं देखा तो पहला वो वीडियो देखिए फिर आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है यहाँ से नहीं पूरे स्टार्टिंग से देखना है सबसे पहले दो बॉटम आइडेंटिफाई करना पहला बॉटम ये दूसरा बॉटम ये उसके बाद देखिए प्राइस आया और ये आपका डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है नेक लाइन क्या है नेक लाइन हमारा ये बना है अब यहाँ पे देखिए जब प्राइस आपका नेक लाइन के करीब गया ये नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला तो है लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया और यहाँ पे आपका रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया रेड कैंडल का फॉर्मेशन होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे वापस से बायर्स कमजोर हो गए हैं और एट द सेम टाइम यहाँ पे सेलर्स का एंट्री हो गया और सेलर्स यहाँ पे आपके स्ट्रांग दिख रहे हैं और यहाँ पे आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं हो रहा वॉल्यूम भी आपका बहुत कम है तो यहाँ पे वॉल्यूम से भी हमें काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाता है कि ये जो पैटर्न बना वीक है या फिर स्ट्रांग है यानी पैटर्न के बेसिस पे जो ब्रेकआउट मिल रहा वो कमजोर है या स्ट्रांग है उसके बाद देख सकते हैं प्राइस आपका नीचे गिरा प्राइस आपका ऊपर नहीं गया तो यहाँ पे भी जो डब्लू पैटर्न बना वो क्या बना वो आपका कमजोर वाला डब्लू पैटर्न है तो इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग डब्लू पैटर्न और वीक डब्लू पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं और आप ट्रैप से आसानी से बच सकते हैं सो so, उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वहाँ पर आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनक्रेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद